स्पीच में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे करते हैं वो ये सीखते हैं आज। तो जैसे मेरे पास ये जारफल पड़ी हुई है, पहले से इंस्टॉल है, तो आपको गूगल में लिखना है फ्री टीटीएस जारफल के नाम से, तो आपकी जारफल बन जाएगी, आपको जिप फोल्डर में मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये आपको दो फोल्डर उसके अंदर मिलेंगे, दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें जारफल मतलब ये लगानी है, इंपोर्ट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा तो मैंने मेरे पास ये जारफल पहले से बनी हुई है रेफरेंस लाइब्रेरी में, ठीक है, डली में। तो आप यहाँ पर सीधा यहाँ पर क्लिक करके टेक्स्ट टू ऑडियो पर क्लिक करके, जैसे मैंने ये पैकेज का नाम दे रखा है, प्रोजेक्ट का नाम दे रखा है, तो जैसे मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, तो यहाँ पर जैसे मैं बिल्ड पाथ पे क्लिक करूँगी, कॉन्फ़िग बिल्ड पाथ पे क्लिक करूँगी, कॉन्फ़िग बिल्ड पाथ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं ऐड एक्सटर्नल जार पे क्लिक करूँगी, और ऐड एक्सटर्नल जार पे क्लिक करने के बाद जहाँ आपका फोल्डर होगा, जो जैसे मैंने फ्री टीटीएस के नाम से कर रखा है, यूज़र पे जाके, डेल पे जाके, डेस्कटॉप पे जाके, और जार फाइल के अंदर मेरा ये फ्री टीटीएस के नाम से फोल्डर है, और यहाँ मैंने इसको क्लिक करने के बाद इसकी सारी जार फाइल मैंने ये शिफ्ट करके अब ओपन करके ओपन कर दिया था, और फिर अप्लाई पे क्लिक कर दिया था। यहाँ मैं कर नहीं सकती क्योंकि मैंने पहले से कर रखा है। तो अब सीधा ये प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं कि काम कैसे करते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पर लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एआरजीएस, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा वॉइस, तो वॉइस एक हमारी क्लास है, और ये वॉइस मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूँ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द वॉइस क्लास, ठीक है। अब ये हमें पैकेज इंपोर्ट करने के लिए कहेगा, तो हमने ये पैकेज इंपोर्ट कर दिया, ठीक है, तो वो एरर हट जाएगी। अब अगर हमें वॉइस लेनी है, जैसे तो यानी कि गेटिंग वॉइस, तो यहाँ पर सीधा ऑब्जेक्ट के थ्रू लिखे देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉइस मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट वॉइस। तो यहाँ पर मेरा केविन के नाम से जो वॉइस है वो मेरा काम नहीं कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर लिया केविन 16, ठीक है। अब ये इस पे भी हमें पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब अगर हमें वॉइस को अलोकेट करवाना है और इक्वल टू नल, ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया वॉइस डॉट अलोकेट, ठीक है, यानी कि यहाँ पर वॉइस हमारा अलोकेट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर लिखा ट्राई, अगर ट्राई में आप नहीं लिखोगे तो आपको एरर आ जाएगी। तो अब यहाँ सिंपल से हमने यहाँ पर सेटिंग करनी है वॉइस की, सेटिंग द रेट ऑफ द वॉइस, वॉइस रेटिंग सेट करनी है इसकी। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा वॉइस डॉट सेट रेट, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे लिखा 200, ये आपको खुद से सेट करनी पड़ती है जैसे आपको लगे, ठीक है। सेटिंग द पिच ऑफ द वॉइस, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा वॉइस डॉट सेट पिच, तो यहाँ पर मैंने लिखा 145, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा
करना सेटिंग सेटिंग द वॉल्यूम ऑफ द पिच, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा वॉइस डॉट सेट वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पर हम कॉल करवाएंगे स्पीक मेथड को, यानी कि वो बोले तो कॉलिंग स्पीक मेथड, ठीक है। तो जो बोले वो हमें प्रिंट भी कर दे। तो मैंने यहाँ पर लिखा हेलो मैम, ठीक है, यानी कि उसने बोला, जो बोला वही हमें प्रिंट करके दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हेलो मैम, ठीक है। अब यह सीधा सिंपल यहाँ पर कैच हम लिखेंगे एक्सेप्शन, अगर नहीं चला बाय चांस तो जो एक्सेप्शन जनरेट होगी वो हमें दिखाएगा ये कंसोल पे। तो अब इसे चला के देखते हैं। तो ये सीधा इसने जो बोला हमने वो प्रिंट करके दे भी दिया। तो आप सीधा इसको टेक्स्ट से वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको सिंपल सा प्रोग्राम पसंद आया होगा।